ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी बीच रेलवे काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, तो काफ़ी स्पेशल ट्रेन को लगातार कैंसिल भी कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं ट्रेन जो है कैंसिल है या फिर नहीं है, क्योंकि एक एक करके ट्रेन का लिस्ट चेक करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो आज हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है PNR इंक्वायरी। एक बार आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद करना है और नीचे आपको उसने मिल जाएंगे इंटर PNR नंबर, सिंपल इस पर करना है। इसके बाद जब आपने टिकट बुक होंगे या फिर आपने खुद से किए होंगे या फिर आपने रेलवे स्टेशन से करा रखे हैं, तो आपको एक 10 डिजिट का PNR नंबर मिला होगा। इसके बाद वो PNR नंबर यहाँ पर सिंपल टाइप करना है। टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल को इंक्लूड करके यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, बोर्डिंग डेट, बोर्डिंग पॉइंट और क्लास। इसको नीचे की तरफ करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने पैसेंजर का टिकट आपने बुक कर रखे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ करने हैं, देखते हैं नीचे की तरफ हम करता हूँ और यहाँ पे देखना है आपको ट्रेन स्टेटस, यहाँ पे देखना है। यदि आपका ट्रेन कैंसिल होगा तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रेन कैंसिल देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं हमारा ट्रेन कैंसिल है या फिर नहीं है। यदि आपका ट्रेन कैंसिल होगा तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको 3 से 4 दिन में पैसे आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।